नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ रखती हूँ, यहाँ विराट सर की नजर जरूर पड़ेगी। तो ये क्या है? आपको दिख रहा है ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो विराट सर, लगता है सही का मूड आज अच्छा है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाता हूं। आज पहली बार तुम मेरे लिए कुछ लाई हो, लेकिन तुझे चढ़ाने के लिए। ठीक है, हंस लो, तुम देखना तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे कुछ लाऊंगा मैं। अरे विराट सर, आप इतना डर गए कि आपको वो दूसरा गिफ्ट ही नहीं देगा? हाँ सही, बहुत डर गया मैं। और देखा मैंने तुम्हारा दूसरा गिफ्ट, लेकिन खोलूंगा नहीं। ऐसी कोई चीज होगी मेरी मनपसंद वाली, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगा आप मजाक को मजाक की तरह लेंगे, लेकिन आप तो बुरा मान गए। हाँ मान गया। ये लो। इतने सारे पैसे अब मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरी दूसरी शादी है ना, उसकी शॉपिंग के लिए। ताई की शादी की शॉपिंग के पैसे मांगे थे ना तुमने? ओह, भूल गई? हाँ। उम्मीद करता हूँ ये काफी है। हाँ मैं इतने में काम चला लूंगी, थैंक यू। वैसे आप इतने भी खड़ूस नहीं हो। खड़ूस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं लोगों के लिए गिफ्ट्स उनको चढ़ाने के लिए नहीं ला था। अरे आप देखिए तो सही। मुझे नहीं देखना तुम्हारे कोई गिफ्ट्स। अरे आप देख तो लीजिए, बिना देखे इतना क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई चीज होगी। अरे देखिए तो सही आप। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना प्लीज। अरे मैंने आपको गिफ्ट खोलने के लिए कहा था, दरवाजा बंद करने के लिए नहीं। अब गिफ्ट खोलते हैं कि नहीं कि मैं चली जाऊं? हाँ तो जाओ ना। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ, कौन रोक रहा है। बाय। सच में चली गई? देख लो क्या गिफ्ट। थैंक यू विराट सर फॉर बीइंग माय लकी चार्म।
वाकई ये लड़की अलग है, सबसे अलग। कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। बापा, बहुत फुर्सत से बनाया तूने इस इकलौते पीस को। जैसी भी है, कमाल है। मैं आपको कमाल लगती हूँ? मैंने ऐसा कब कुछ कहा? अरे अभी तो कहा, मैंने खुद सुना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, नहीं कहा। आपको गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारी तरह कमाल। कहा था ना? हाँ हाँ कहा था। थैंक यू विराट सर, आपने मेरे लिए, ताई के लिए जो कुछ भी किया है आज तक, वो कोई नहीं करता। तुम करती हो सही। तुमने शिवानी बुआ के लिए, मोहित के लिए और अब ताई के लिए जो कुछ भी किया है ना, मुझे भी तुम्हें उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू सही। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोल दिया है, अब शॉपिंग की बात करते हैं। बताओ मैडम, बंदा क्या कर सकता है? आपने क्या करना, कल मुझे कॉलेज पिक करने आ जाना, फिर वहां से हम लोग पुलकित जीजू की शॉपिंग के लिए जाएंगे। एक मिनट, अभी तक तो पुलकित सर थे, जीजू कब से बन गए? अरे अब वो ताई के हस्बैंड है ना, तो ताई के हस्बैंड को तो जीजू ही बोलते हैं ना। और अपने पति को? हमारी भी तो शादी हुई है ना, तो मुझे सर बुलाना बंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आप खड़ूस जासूस हैं, इसीलिए। अभी तक तो सही की कॉलेज से छुट्टी हो चुकी होगी, एक बार कॉल करके बता तो सकती है ना। चलो माना मैंने नहीं बोला था उसे फोन करने के लिए, लेकिन खुद सामने से तो कर सकती है। उसका हाथ ठीक होगा? नहीं कर लेता हूं, वीडियो कॉल कर लेता हूं, हाथ भी देख लूंगा। विराट सर, ए वीडियो कॉल? सही, वीडियो कॉल मत उड़ाना, विराट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं। तू ना ऑडियो कॉल कर दे, काट दे काट दे। क्या हुआ सही, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? सब ठीक तो है? और वो तुम्हारे हाथ में जो जलन थी वो कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे थे, मुझे देखने के लिए? नहीं सही, तुम्हारा हाथ देखने के लिए। रेडनेस कम हुई है कि नहीं? क्योंकि शक्ल तो तुम्हारी वैसे भी लाल रहती है गुस्से में। चलो सही, वीडियो कॉल करो मुझे। वीडियो कॉल? नहीं, वीडियो कॉल नहीं कर सकती अभी। क्यों, तुम्हारे कॉलेज के कैंपस में वीडियो कॉलिंग बैन है? और वैसे भी तुम तो अपने कॉलेज से निकल चुकी होगी ना। हाँ मैं आपको कॉल करती हूँ, दिखाती हूँ, एक मिनट आप रुको ना। ये क्या है? अरे अभी तो आपने कहा था आपको हाथ देखना है, अब मेरे हाथ को ही नहीं पहचान पा रहे। ऐसे कौन वीडियो कॉल करता है? सही चलो हाथ हटाओ अपना। क्यों,
आप भी नहीं दुखाता, सिर्फ हाथ देखना है, तो लीजिए देखिए हाथ और बात भी इसी से करिए। हाय विराट सर, कैसे हैं आप? मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि तुमसे अगर बात करनी है तो एक एक शब्द मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप एक दो साल सोच समझ कर फिर वीडियो कॉल करिएगा। ओके, अभी मुझे काम है, मुझे जाना है, बाय। सुनो तो सही, जब देखो हवाई घोड़े पर सवार रहती हूँ। हाँ तो सुन तो रही हूँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि आज रात तुम और मैं साथ में खाना खाते हैं। अच्छा समझ गई समझ गई, आज आप लेट आने वाले हैं और आपका इरादा मुझे भूखा रखने का है ना? मैं तुम्हें भूखा क्यों बिठाऊंगा? ये बात भी सही है, सबके होते हुए आप भी मुझे भूखा रखेंगे। क्या बोल रही हो सही, क्या मतलब है? मतलब अब मैं यहाँ से घर जाऊंगी तो कोई ना कोई सीन होगा, जब कोई सीन होगा तो कौन खाना देगा, कौन खाने के लिए पूछेगा? सही, हर चीज को तुम उल्टा क्यों लेती हो? क्योंकि हमेशा मेरे साथ उल्टा ही होता है। चलिए अब मुझे बहुत काम है, बाय 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 बाय। अरे